गाय भैंसों का भूसा, चारा, गंद ये खिलाते हैं हम अपने मेहमानों को और खुद भी खाते हैं। आज मैं बात करूंगी वो पांच चीजों की जो हम रोज खा रहे हैं ये सोच के कि वो हेल्दी हैं, लेकिन वो हमें बहुत सारी बीमारियां पैदा कर रहे हैं। सबसे पहले तो है ये काले रंग का कोल्ड ड्रिंक। ये कोई किसी भी कंपनी का देखिए, या तो इसमें शुगर बहुत ज्यादा है, दूसरे में डाइट कोक होता है जो कहने के लिए डाइट कोक है लेकिन वो पूरे शरीर को खत्म कर देता है। डाइट कोक का अपने ब्लैडर के कैंसर के साथ रिलेशनशिप है। तो ये बहुत जरूरी है, कोल्ड ड्रिंक सिवाय चीनी के और एम्प्टी कैलोरीज के कुछ नहीं है। इससे आपको फैटी लिवर, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारी बीमारियां कोल्ड ड्रिंक की वजह से। कृपया इसको ना दें, ना पिलाएं, ना पिएं। उसके बाद हम पिलाते हैं जूस, जिसको हम कहते हैं फ्रूट जूस। अगर आप इस फ्रूट जूस में हर हर खाने के ऊपर न्यूट्रिशन के फैक्ट्स लिखे रहते हैं, अगर आप इस न्यूट्रिशन फैक्ट्स को ध्यान से देखें, इसमें इतने सारे केमिकल्स हैं और फ्रूट के नाम पे सिर्फ थोड़ी सी अमाउंट है, तो कृपया इसकी जगह पे आप घर में या तो कटा हुआ फ्रूट दें अपने मेहमान को, या फिर आप शरबत बना सकती हैं जो घर में, और वो आप पिला सकते हैं। बट आप श्योर रहिए कि जिनको आप पिला रहे हैं उनका शुगर का जो कंटेंट है, जो मीठे का कंटेंट है, वो लिमिटेड होना चाहिए। बिकॉज जैसे जैसे आप शुगर बढ़ाएंगी और वो एक्सरसाइज नहीं करते या मोटे हैं, तो जैसे जैसे उनका वजन बढ़ेगा तो घुटनों में दर्द, और दूसरी बात है ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज। इस टाइम डायबिटीज का एपिडेमिक है और हर साल 2 करोड़ लोग मर जाते हैं हार्ट अटैक से, जिसका कारण डायबिटीज और हाइपरटेंशन है। फिर है हमारी ये, हमारे बच्चे पैदा होते ही आजकल तो ये खाते हैं। जैसे उनका खाना शुरू होता है, ये इंस्टेंट नूडल्स हैं या फिर बाजार की नूडल्स हैं जो चौमिन के रूप में फेमस हैं, इनमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है। ये मैदा है, रिफाइंड फ्लोर। मैदा एक ऐसा जहर है जो पीसीओडी का सबसे बड़ा कारण है। मैदे की वजह से लिवर में फैट जमा होता है और लिवर फैटी हो जाएगा और ये चिपक जाता है इंटेस्टाइन के अंदर जाके, क्योंकि ये उबलने के बाद इसमें कुछ नहीं है, तो रबड़ है। आप रबड़ खाना चाहेंगे, बिल्कुल रबड़ है ये। तो इसको कृपया बिल्कुल नूडल्स को टोटली बंद कर दीजिए। फिर हर घर में हैप्पी बर्थडे में केक, बर्गर, बिस्किट, कुरकुरे, पैक्ड फूड्स, चिप्स, ये सब खिलाए जाते हैं। अब इनकी क्या प्रॉब्लम है? बेक्ड फूड्स में एक तो पहले उसमें मैदा होता है, दूसरा उसमें ऑयल होता है। जो ऑयल है वो पाम ऑयल यूज हो रहा है। जितनी भी चीजें बन रही हैं, खासकर ये बेकरी, ये तले हुए सामान में, घर में तो हम फिर भी कहीं ना कहीं सरसों का तेल और देसी घी यूज करते हैं, लेकिन जो पाम ऑयल है उसमें 50% सैचुरेटेड ऑयल्स है। इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, वो बेसिकली साबुन बनाने के काम आता है वो तेल, और वो हम खा रहे हैं। कृपया जब भी पैकेट उठाएं तो जरूर देखें कि ऑयल कौन सा है। उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि वो पामोटिल ऑयल है। पाम ऑयल बहुत बड़ा कारण है हमारी लिवर को डैमेज करने का, ब्लड प्रेशर का और शुगर का। इसके अलावा जो हम खाते हैं, वो जो सबसे जरूरी चीज जो हमें नहीं खानी है वो है क्या आई थिंक पांचों चीजें, पैक्ड फूड्स जितने भी हम खाते हैं, जो पांचों चीजें हमने बोलनी थी, 1, 2, 3, 4 और 5, ये हमन खाना हम अपने सारे रिलेटिव्स या अपने गेस्ट को खिलाते हैं, और इसकी वजह से ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज, पीसीओडी, घुटने खराब, हिप्स खराब, ये सारे इन फूड्स की वजह से है। शरीर को आप एक गाड़ी समझिए। गाड़ी में अगर पेट्रोल की गाड़ी है, उसमें हम पेट्रोल की जगह पे पानी डाल देंगे तो वो गाड़ी बैठ जाएगी। ऐसे ही शरीर में हम जो खाना खाते हैं, अगर वो खाना ऐसा है जो हमारे खाने के न्यूट्रिशन को खत्म करता है, इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं इस खाने में, ना इसमें कोई अच्छा विटामिन है, ना कोई मिनरल है, सिर्फ नमक, मैदा, शुगर, ऑयल, जो सिर्फ हमारे हार्ट की वेसल्स में जाके डिपॉजिट हो जाता है और इसलिए ये हमें डैमेज करता है। तो खान पान में ये चीजें तो आज ही अपने बच्चों को ना दीजिए, ना खुद खाइए, ना मेहमानों को खिलाइए। इसकी जगह पे आप नींबू पानी ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स लीजिए।
जूसेस की जगह पे कोशिश करिए कि फ्रूट कटा हुआ खाएं, ताकि आपके अंदर फाइबर जाए। जितना आपके अंदर फाइबर जाएगा उतनी आपको कैंसर से वो फाइबर आपको बचाएगा। ये छोटी सी जो पांच चीजें हैं अगर आज अपने डाइट से बाहर करेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, डॉक्टर के कोट, डॉक्टर के स्टेथोस्कोप और अस्पतालों के चक्कर से बच जाएंगे।